ज़िला झेलम के पहले कुरान महल का इफ्तिताह गुज़िश्ता रोज़ जंजील में किया गया। इफ्तिताह तहरीक अज़मत कुरान के बानी हकीम बाबा मुश्ताक अहमद नक्शबंदी ने किया। इफ्तिताही तकरीब के तमाम तर इंतजाम जंजील वेलफेयर सोसाइटी मिलाद कमेटी जंजील के सदर डॉक्टर सरफराज की ज़ेर निगरानी सरंजाम पाए। इफ्तिताह तहरीक अज़मत कुरान के बानी हकीम बाबा मुश्ताक अहमद नक्शबंदी ने किया। इफ्तिताही तकरीब के तमाम तर इंतजामात जंजील वेलफेयर सोसाइटी मिलाद कमेटी जंजील के सदर डॉक्टर सरफराज की ज़ेर निगरानी सरंजाम पाए। इफ्तिताही तकरीब में खुसूसी खिताब अल्लामा अताउल्लाह शाह बुखारी ने किया। महफिल में गुजरात वज़ीराबाद लाला मूसा गुजरांवाला सियालकोट गखड़ मंडी आढ़ा समरियाल डिंगा डस्का से मेंबरान तहरीक अज़मत कुरान ने शिरकत की। कुरान महल शरीफ बनाने का जो हमारा मकसद है वो ये है कि कुरान महल जो कुरान अजीम है उसको महफूज करने के लिए कोई जगह नहीं है और ना ही कोई ऐसा अदारा है जहाँ पर इसको जमा करवाया जा सके। दरिया हमारे इस काबिल नहीं है कि वहाँ पर कुरान अजीम को बहाया जा सके। नहरें हमारी इस काबिल नहीं है। तो जो मस्जिदों के अंदर कुरान पाक पढ़े हैं वो भी महफूज नहीं है। तो सबसे बेहतरीन इसका जो हल हमने देखा है वो कुरान महल शरीफ है। डीसी लाहौर